हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अ ब्राइडल मेकओवर एंड मोर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। आज मैं एक अजीब रिव्यू लेके आई हूँ। एक्चुअली रिव्यू नहीं है, ये एक्चुअली कंपैरिजन है एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट का, वो भी सेम ब्रांड के। आज मैं लेके आई हूँ दो मिसलर वाटर, वो भी निविया के। एक है रोज एक्सट्रैक्ट के साथ और दूसरा है नॉर्मल मिसलर वाटर। तो मैं दोनों के कंपैरिजन में इसलिए बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैंने दोनों ही इस्तेमाल किया। एक मैंने पूरा खत्म कर चुकी हूँ, थोड़ी बहुत है, और ये अभी थोड़ा सा बाकी है, बट फिर भी मैंने आधा कर चुकी हूँ खत्म। सो मैं दोनों चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, व्हाट आई लाइक द मोस्ट, एक्चुअली जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। पहले मैं आती हूँ इस पर। 3-in-1 मेकअप रिमूवर है, जैसे आपने आई मेकअप, लिप मेकअप या फिर पूरे फेस मेकअप जो रिमूव करने के लिए, थोड़ा सा मतलब कॉटन पैड में आप उसको डालो और आराम से मतलब कोई भी मेकअप रिमूव हो जाते हैं। दिस इज़ फॉर नॉर्मल स्किन। एंड सबसे बड़ी बात है ये ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड है, मतलब आँखों के एरिया के हिसाब से आँखें बहुत सेंसिटिव होती है और आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, देयर इज़ नो पैराबेन, नो हार्श केमिकल्स, और इसमें कोई परफ्यूम नहीं है, और इवन इसको रिंजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो रिंग्स, ओके। बट इसमें मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, जब भी मैं इसे अपने फेस पे इस्तेमाल करती हूँ ये मुझे थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन होती है। अब मेरे ख्याल से वो मुझे हुआ, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी वो चीज़ हो। सो मैं इसे दोबारा परचेस नहीं करूँगा। ओ टू इंक्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज़ ओ टू इंक्रीज? ओ टू इंक्रीज की बात ये है कि ये ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करते हैं अपनी स्किन पे, जैसे ही मतलब ये डीप क्लीन करते हैं अपनी स्किन को और मतलब पोर्स जो है उसको ओपन कर देते हैं, मतलब अनक्लॉग कर देते हैं, उसको क्लीन करते हैं डीपली, तो पोर्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक हो सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ओ टू इंक्रीज, मतलब ओ टू लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं। अब मैं आती हूँ इसकी पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है और एक ऐसे प्लास्टिक जार में ऐसे आती है, उसके में से यहाँ पे ओपन अप कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ से आप आराम से कोई भी मतलब क्या बताऊँ आपको, कॉटन बॉल या फिर कॉटन पैड उसके अंदर आप लेके आप मेकअप रिमूव कर सकते हो। क्वान्टिटी ये है 400 ml, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी है 400 ml। प्राइसिंग इसकी है 350 rupees। यहाँ पे लिखा हुआ 350 rupees, बट मुझे ज़्यादातर याद है मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिला था, मैं नायका से खरीदी थी ये। ऑफ एंड ऑन साल भर में कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता ही रहता है इन लोगों का। मेरे हिसाब से ये अच्छी मेकअप रिमूवर तो है, लेकिन क्या है ना, मुझे जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो एक थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन मेरे फेस पे होती ही है। शेल्फ लाइफ है इसकी 2 ईयर्स। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रोडक्ट पे। ये सेम ही जेंज की चीज़ें हैं, ये है सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, निविया के मिसलर वाटर विथ रोज एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर के साथ। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे दो अलग अलग ऐसे मतलब लेयर लग रहा है। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करो उससे पहले थोड़ा सा इसको शेक कर लो। सी द डिफरेंस, आप देख सकते हो, उसको शेक कर लो। इसमें भी सेम है, 400 ml प्रोडक्ट है, इसमें भी नो परफ्यूम है, नो पैराबेन फ्री है, मतलब कोई एक्स्ट्रा केमिकल इस तरीके से हार्शफुल केमिकल नहीं है। डर्मोटोलॉजिकली एंड ऑप्थल्मोलॉजिकली ये भी टेस्टेड है, मतलब आँखों एरिया में आप स्किन पे ये मेकअप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, मैं ये बता सकती हूँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे मैंने पहले वाले में बताया कि मुझे एक टिंगलिंग सेंसेशन फेस पे क्या बताऊँ आपको फील होती थी, बट इसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होती है। आई लाइक इट मोर एक्चुअली। कोई भी मेकअप आप इससे क्लीन कर सकते हो, जैसे वाटरप्रूफ मेकअप हो या फिर बहुत ही ज़िद्दी काजल हो, इससे आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी अलग है, सेम प्लास्टिक पैकेजिंग है, बट इसकी जो ये है थोड़ी सी अलग है, ये ऐसे है इस तरीके से। आप कोई भी कॉटन पैड या फिर कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैम आपको मिल रहा है ये 425 rupees में। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मतलब उससे ज़्यादा, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसी है ये। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप ऑल्सो। अजीब बात ये है, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ, ये 2 ईयर्स शेल्फ लाइफ है इसकी और ये 3 ईयर्स ऑफ शेल्फ लाइफ है इसकी। आई डोंट नो व्हाई, एक ही कंपनी की चीज़ है। इफ़ यू आस्क मी, अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको रिपर्चेस ज़रूर करूँगी, बट इसको मैं रिपर्चेस नहीं करूँगी। दो रीज़न है इसके पीछे। एक तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आई हैव अ लिटिल बिट टिंगलिंग सेंसेशन जब भी मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, और दूसरी बात ये है कि ऑफकोर्स इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल ज़्यादा है, तो 400 ml प्रोडक्ट और 1 साल ज़्यादा शेल्फ लाइफ, तो आई प्रिफर दिस वन मोर एक्चुअली। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे दो ऐसे प्रोडक्ट की रिव्यू बोल सकते हैं आप, एक कंपैरिजन वीडियो भी बोल सकते हैं आप, कंपैरिजन वीडियो। अगर फ्यूचर में आपको इस तरीके से कुछ और देखना चाहिए, कुछ और चाहते हो, आपके उस प्रोडक्ट की रिव्यू आपके पास नहीं है, आपको ऑनलाइन पे नहीं मिल रहा है ऐसा कोई प्रोडक्ट, तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो। आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट पढ़ के मैं एकदम कोशिश करती हूँ आप लोगों की जो क्राइटेरिया वो भी फुलफिल हो।
मैं तहे दिल से कोशिश करती हूँ उसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, एक बढ़िया वीडियो पे। चलिए फॉर नाउ बाय।